अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी पार्ट वन का 6.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है फाइंड द 13th टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हमने 13th टर्म फाइंड करनी है। इफ़ अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है वो इस तरह से हो, एक्स 1, 2 - x, 3 - x और एक्स सो ऑन, इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसको हम लिखते हैं, हमने 13th टर्म फाइंड करनी है। 13th टर्म फाइंड करने के लिए आपको पता है फर्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने जनरल टर्म्स फाइंड करनी है, यानी कि nth टर्म फाइंड होनी चाहिए। nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है एक्स है, उसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमें होती है कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस डी, ये कैसे फाइंड होता है, ये हमारे पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स, तो वहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आता है ये। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है 1 - x। हमारे पास जनरल टर्म्स का फार्मूला होता है ए की एन इक्वल है फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 बी कॉमन डिफरेंस। तो इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म ए की एन इक्वल है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी इधर हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है x है, तो इधर x आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास n - 1 एज इट आ जाएगा प्लस n - 1, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस d जो है इसकी वैल्यू है 1 - x, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे 1 - x, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमने फाइंड करनी है यहाँ से 13th टर्म फाइंड करने के लिए इधर हम 13 पुट कर देते हैं, n की जगह पर 13 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 13th टर्म आ जाएगी x प्लस, इधर 13 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 12 आ जाएगा, 13 पुट करेंगे 13 - 1 तो 12 आ जाएगा, 12 और 1 - x, तो ये हमारे पास 13th टर्म का आंसर आ जाएगा। तो आपने ऐसे ही इसको लिख देना है, मज़ीद इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो आपने ऐसे ही लिख देना है, अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हो, x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12, उसके बाद -12 x आ जाएगा, इनको आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा -11 x + 12, तो ये आपके पास 13th टर्म का आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है और यहाँ तक भी आपके पास आंसर जो है वो ठीक है। तो इसके ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 13th टर्म आपने एपी की फाइंड करनी थी जिसमें आपके पास सीक्वेंस गिवन थी, फर्स्ट टर्म आपने यहाँ से देख ली और सेकंड टर्म आपने कॉमन डिफरेंस से ये सेकंड टर्म 1 है तो यहाँ से आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया और यहाँ से आपके पास 13th टर्म आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी अगर सीक्वेंस इस टाइप से हो, 5, 2 - 1 सो ऑन। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है इज़ -85, ये 85 तक इसका एंड टर्म जो है, रेंज वाली टर्म जो है इसकी, ये -85 है, यानी कि इसकी लास्ट टर्म एंड टर्म जो है वो 85 है। तो इसमें हम फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट टर्म ए की 1 जो है वो है 5, इससे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म है 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है -3, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से इसकी nth टर्म इधर से लिख लेते हैं, nth टर्म हमारे पास a की n गिवन है -85। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n फाइंड करना है हमने, तो n किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला मौजूद है जनरल टर्म्स का। जनरल टर्म्स का क्या फार्मूला होता था, a की n, यानी कि nth टर्म का फार्मूला, nth टर्म को हम जनरल टर्म्स कहते हैं, a की 1 फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 और साथ में d आ जाएगा। इधर हम a की 1 वैल्यू पुट करते हैं, एक ही जो एक ही n है nth टर्म, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है -85
-85 आ जाएगा इधर। उसके बाद फर्स्ट टर्म इक्वल है, फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 5, फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन एज इट आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -3, तो इधर से -3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -85 एज इट इक्वल है 5 एज इट लिख देंगे, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3n इक्वल है -85, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 8 को हम इस साइड्स पर लेकर आएंगे, इस साइड्स पर ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, -85 -8 इक्वल है -3n, इनको सॉल्व करते हैं, 85 प्लस 8 इसको ऐड करेंगे तो 93 आ जाएगा, माइनस का 93 इक्वल है -3n। जब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 साइड्स पर n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड्स पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93/3, तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 1 3, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 31, तो n की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें गिवन सीक्वेंस दी हुई थी उसकी नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 31 है। हमारे पास गिवन सीक्वेंस थी एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 5, 2, -1, जिसकी लास्ट टर्म जो थी वो -85 थी। उसमें हमने क्या फाइंड करना था, इसमें फाइंड करना था हमने नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई हैं 81। हमने किस जनरल फार्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए हैं। आई होप आपको दोनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।